पौड़ी के श्रीनगर तहसील के ग्वाड़ गांव में चोरी का एक बहुत ही रोचक मामला सामने आया है। चोर यहां पर सिर्फ चोरी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वारदात वाले घर में खाना बनाकर आराम से सो भी रहे हैं। ये स्कूल, रुक जा, स्कूल में भी तोड़ रखा पूरा, ये किचन है। अबे खाना बने भाई, ये क्या बना रखा है? चाय, पता नहीं क्या बने। अच्छा यहाँ पे बना रखा इन्होंने आलू उलू, मीट क्या बना, ये पेंट हो जी, सूजी यक, सूजी वगैरह यक, अपनी बेगा मेंट पकड़, ओए अबे यहाँ लैटरिंग कर रखी है, अबे लैटरिंग भी कर रखी है यहाँ इन्होंने। मंदिर में भी दान पेटी पूरी खाली, एक रुपए के लिए छोड़ियो ले, अबे इसको तो उठा देते हैं। ओ सब बताओ दान पेटी को ना, ये पूरी उठा देते हैं। चोरी अक्षर में उस दिन, ये 8 तारीख संडे की बात है, संडे की रात की बात है, लोगों को तो खैर पता नहीं चला, 9 तारीख को पता चला सुबह, दिन में चला बल्कि सुबह भी नहीं पता चला, जबकि बच्चे मंदिर में गए पूजा करने के लिए नाम 9 तारीख उसको, तभी पता चला कि ताले टूट रखे। और जब मंदिर में गए तो उन्होंने मंदिर में जो ताला तोड़ा था उसके अंदर उनका दान पात्र था, वो भी उन्होंने पूरी खाली कर रखा था। और उसके बाद हमारे यहाँ 5 घरों में और ताले टूटे और पूरा सामान सामान जो भी था उन्होंने उलट पलट किया है, गांव में खाना खुना भी बनाया है और स्कूल में भी, अब वो ये पता नहीं चल पा रहा है कि स्कूलों में उन्होंने ताले कब तोड़े हैं, उसी दिन का काम तो नहीं लग रहा है वैसे, परंतु उन्होंने वहाँ स्कूल में भी उन्होंने खाना बनाया है और वहीं रुके भी हैं रात को 8 बजे। जिस गांव में भी ये गए वहां पर इन्होंने गैंतियों से ताला तोड़ा और गैंतियों को वहीं गांव में छोड़ दिया। तो उनका चोरों का जो, मुझे तो लगता है कि ये शायद कुछ लोकलाइट भी हो सकते हैं इसमें, और कुछ जो उनका ताले तोड़ने का पैटर्न है बहुत ही एक्सपर्टीज का है, उससे तो लगता है कोई उनके हाथ में बहुत ही एक्सपर्ट आदमी है, और वो उसका जो ताले तोड़ रहे हैं वो गैंती से तो वो उसे तोड़ रहे हैं और गैंती छोड़ जा रहे हैं। और ये बातें थे हमारे गांव में नहीं बल्कि उससे एक महीने पहले 20 दिन के अंदर अंदर ही हमारे इलाके में 4 गांव में हुई है, कांडी है, चरकोट है और पोखरी गांव है, उसमें ये 4 दिनों में 4 गांव में ये वारदातें हुई हैं। और चोरी का पैटर्न एक जैसे ही है, वो ताले तोड़ रहे हैं, उसमें केवल सामान का तो नुकसान नहीं कर रहे हैं परंतु सामान ले जा रहे हैं, सामान पैसे का है उनका मेन, जो भी उनको कैश मिल जाए। और मंदिर में भी ऐसे है कि मंदिर में दान पात्र खाली कर रहे हैं, पैसे ले जा रहे हैं पर फिर उसमें छत्र वगैरह नहीं ले जा रहे हैं। मैं तो लगता है कि कुछ ना कुछ लोकलाइट तो हो गई जो उसको, नहीं तो गांव के रास्तों को पता नहीं चल सकता इतने अंदर में कहां आएंगे कैसे मालूम उनके गांव का रास्ता। हां तो हम ये बना चोरी कोई गांव का कोई लोकल उनके साथ मिला होगा जो चोरी कर रहे रात को, कहीं क्या पता हम लोगों आदमी को पता नहीं कहां से जाना क्या आना, वो चोरी कर रहे तो भेजू आज ने कोई ताला तुला तोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पता नहीं सारा साला वहीं खा रहे हैं, वहीं आटा गूंद के भी छोड़ दिया, कुछ रोटी बना के छोड़ रखें दो खा रहे हैं, मजे ऐसे सो गए वहाँ बिस्तर लगाए। लोग बाग तो कमी है ना, लोग बाग कमी छन को भी कह वहीं कहें कोई बुजुर्ग छन कोई बुढ़े बुढ़िया छन, तो लोग थे लगन छुप गया कि वैसे पहले तो लोग बिल्कुल इन छा कि निस्पे रन छा ताल में लगन जाए घर बने, पर वे दिन डिजाइन भी चोरी होनी डर गई बहुत गाँव में डर ना छन लोग के बारे कोई यार कहीं भी जीवन उल्लू छोड़ रहा जी पर्ची जंगल रस अच्छा लोग दूसरा गाँव में फोन करी तो आ कोई चोर आने छ वो जगह ना रात हमारा क्षेत्र का पटवारी का क्षेत्र है वैसे ना, पटवारी को पटवारी बताया, पटवारी आया था वो फोटो फाटो लिखे गए, उसके बाद पटवारी आया नहीं, मैं कुछ हमको सोचना नहीं कार्रवाई को कुछ पता चल नहीं पाया कि कौन है लोग बाग कोई छन कोई पता चलो नहीं कि लोग छन की लोग छन ना अभी कोई मतलब कोई भी क्लू नहीं मिल पाया अभी तक। चोरों के यहाँ पर लोकल होने की बहुत बड़ी आशंका है क्योंकि जिस एक्सपर्टीज के साथ उन्होंने जो मंडुआ होता है जिसे गढ़वाली में हम कोदा कहते हैं, मंडुए में आटे को मिक्स करके जिस तरीके से उन्होंने चूने की रोटियां यहाँ पर बनाई हैं, पटवारी को इसकी रिपोर्ट लिखा दी गई है और पटवारी ने यहाँ पर फोटो वगैरह ली हैं और शायद जाँच अभी जारी है, देखना होगा कि कितने समय में इस गिरोह का पर्दाफाश हो पाता है क्योंकि ग्रामीण यहाँ पर बहुत दहशत में है कि पहाड़ के गांव में जनसंख्या बहुत कम है और गिने चुने लोग
इस बात से भयजुदा है कि कहीं यह गिरोह अभी जो सिर्फ चोरी कर रहा है कहीं डकैती और लूट जैसी वारदातों को अंजाम न दे। जागो उत्तराखंड के लिए श्रीनगर तहसील के ग्वाड़ गांव से अक्षित बड़थवाल।